हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। आज मैं आपको अपना किचन टूर कराने वाली हूँ। चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा किचन का एंट्रेंस है। ये मेरा किचन का एंट्रेंस है। सबसे पहले आपको मेरा डाइनिंग टेबल देखेगा। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ये हमने बनवाया है। ये फोल्डिंग वाला डाइनिंग टेबल है। ये मेरा किचन इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन जैसा भी है मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। ये डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है, बस एक फ्लावर वेस है और एक ये फोर्क स्टैंड है और ये स्पून स्टैंड है और ये देख सकते हैं एक कैंडल स्टैंड है। इसके ऊपर मैं वो एसेंशियल ऑयल डाल के रखती हूँ और अंदर एक जो दिया है आपको दिख रहा होगा। ये मेरा बस डाइनिंग टेबल है। अभी मैंने चेयर नहीं लगाया है, चेयर्स क्योंकि ये अभी रास्ते में जाने आने में दिक्कत होगी ये सोचकर, बट जब हम सब मिलके खाना खाते हैं तब उस टाइम मैं चेयर लगाती हूँ। ये देखिए, ये एक मेरे बेटे का बेडरूम है जो मैं आपको किसी दिन इसका वीडियो बना के दिखाऊंगी कैसे मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये दूसरा है, मास्टर बेडरूम है, इसे मैं भी दिखाऊंगी। छोटे छोटे दो बेडरूम है बट मैंने उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये मेरा पूरा किचन है, आप देख सकते हैं। इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है। एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है, फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ ये मेरा वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है ठीक सिंक के ऊपर। और ये साइड में दो इंडोर प्लांट मैंने लगाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किचन का मॉड्यूलर किचन है ये। यहाँ पर मैंने फूड कटर रखा है और इसके ऊपर एक टॉवल, छोटा सा टॉवल रखा है ताकि सिंक में जैसे बर्तन धोने के टाइम हाथ धो तो हाथ पोंछने के काम आता है। और यहाँ एक मैंने ऐसे स्टैंड लगवाया हुआ है जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे चाय छन्नी और चिमटी, ये सब जो जरूरत डेली जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ टांग रखा है। और इसके नीचे मेरा ज़्यादातर यूज़ होता है ये, आपका देख सकते हैं ये नोवा का ग्रिलर है जो सैंडविच, ग्रिल सैंडविच बनाने में काम आता है। मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ग्रिल सैंडविच, तो मैं ज़्यादातर इसे बाहर ही रखती हूँ। और ये एक स्टैंड है जिसमें मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि एक सीज़र रखा है, दो सीज़र हैं, एक पिलर है और दो नाइफ भी हैं जो डेली यूज़ के काम में आते हैं। और ये मेरा गैस स्टोव है, देख सकते हैं आप। ये मेरा किचन, इसके ऊपर ये चिमनी है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑटो फ्रेश वाला चिमनी है, एलिका का है ये। पहले तो बहुत ज़्यादा वो ऑयली ऑयली सब कुछ होता था, लेकिन जब से एलिका लिए हैं, चिमनी लिए हैं, तो मुझे कम मेहनत करना पड़ता है। घर में ऑयली ऑयली सामान सब बहुत कम होता है। तो ये देख सक देखिए मैंने कैसे अपना सारा सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऊपर क्रॉकरी वगैरह है रखा हुआ है,
ये मेरा डिनर सेट है और ये कुछ डब्बे हैं जिसमें मैंने नमकीन वगैरह भर के रखा है, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट्स, जो मेरे बेटे को आसान होता है निकालने में, ढूंढना नहीं पड़ता है, सामने सब कुछ रहता है तो उसे दिक्कत नहीं होती है, बार बार मुझे पूछना नहीं पड़ता है, उसको क्या चाहिए वो निकाल के ले लेता है। ये देखिए मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है अपना मॉड्यूलर किचन को, आप देख सकते हैं। फिर ये दूसरी तरफ का और एक बॉक्स है जिसमें मैंने, इसमें भी कुछ सामान मैंने सजा के रखा है जो मुझे निकालने में बहुत आसानी होती है। सारा सामान मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, जो मुझे जिस टाइम चाहिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, सब कुछ मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन रखा है मैंने, मेरा ज़्यादा टाइम यही सब क्लीनिंग में ही जाता है। ये देखिए नीचे भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें वगैरह ये सब रखा है, इसमें इलायची है, सौंफ है, लौंग है, काली मिर्ची है जो डेली यूज़ होता है मेरा, ये मसाला सब हैं, ये चाय पत्ती, चीनी और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि हल्दी है, दालचीनी पाउडर है और आपका बाकी हल्दी वगैरह है, मसाला सब, ये मैंने सामने ही सब कुछ रखा हुआ है जो मुझे निकालने में आसान होता है, मुझे कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ता है, जो सामने मैंने रखा हुआ है ये सब कुछ सजा के ऐसे। ये देख सकते हैं आप मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और ये एक मैंने बॉक्स रखा है जिसमें ट्रे है, जो जिसमें मैंने घी रखा है, एक सरसों का तेल रखा है, एक नारियल का तेल रखा है। और ये एक ट्रे में रहने से क्या होता है, मुझे क्लीनिंग के टाइम मुझे आसानी होती है कि मैं बस ट्रे को हटा के सब कुछ क्लीन कर सकूं। इसके बाद मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर रखा है सामने, जो मेरा डेली यूज़ के मेरे काम में आता है, तो मैंने इसको अपने सामने ही रखा है, किचन काउंटर टॉप पे ही रखा है। देखिए मैंने अपने किचन काउंटर टॉप को कितना क्लीन करके रखा है, डेली मेरा यही काम होता है, एक दो घंटे तो खाली क्लीनिंग में जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सब कुछ सजा के रखा है। किसी भी टाइम आइए मेरे घर में, आपको इतना ही क्लीन मिलेगा। लोग जैसे कुछ होता है फंक्शन तो क्लीन करवाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा क्लीन रहता है। देखिए ये मेरा OTG है बजाज का, आपको तो पता है मेरा डिलीशियस रेसिपीज़ है और मुझे डेली रेसिपीज़ बनाना होता है, माइक्रो OTG में तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है मुझे। ये मैंने, ये पहले एक ही काउंटर टॉप था लेकिन बाद में हमने ये बनवाया है क्योंकि मेरे पास इतने किचन के इतने सारे गैजेट्स हैं मेरे पास कि रखने के लिए जगह ही नहीं है। फ़िलहाल तो मैंने तंदूर को, बाकी सारा सामान को ऊपर रख दिया है। ये देखिए ये OTG है, ये मेरा माइक्रोवेव है और मैंने OTG के ऊपर ऐसे मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स वाला एक गिफ्ट मिला था बॉक्स, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे सजा के रख दिया है। और ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में हमेशा OTG माइक्रोवेव के ऊपर टॉवल डाल के रखती हूँ ताकि ज़्यादा क्लीनिंग ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक ऐसे ही फ्रूट्स डाल के रखा है और ये मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, सजा के रखती हूँ। एक माइक्रोवेव का ही कुछ एक ट्रे था, यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर थोड़ा सा फूल वगैरह डाल के ऐसे सजा के रखूँ, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा चॉपर जो डेली के काम आता है, फटाफट चॉप कर लो कोई भी सामान, गाजर का हलवा बनाना है फटाफट काट लो और चॉपर में डालो, बस बन गया काम। इसके नीचे भी इतना बड़ा ट्रॉली चारों ओर से बनवा रखा है हमने। देखिए ये मेरा किचन ट्रॉली, मॉड्यूलर किचन है ये मेरा। और मैं हमेशा किचन में जब भी काम करती हूँ एक फुट मैट डाल के रखती हूँ ताकि जैसे पानी वगैरह पैरों में लगता है तो पोंछने के काम आता है और किचन क्लीन भी रहता है इससे।
और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने अपना सारा सामान कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है इसके अंदर। देखिए, ये मैंने ऊपर आटा का डब्बा रखा है और ये बिस्किट नमकीन के दो डब्बे हैं जिसमें भर के रखती हूँ। बाहर मुझे फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है, जितना ज़रूरत पड़ता है मैं उतना निकाल के डब्बे में रखती हूँ, बाकी सब पैक्ड रहता है डब्बे में। और नीचे मेरा ये बहुत सारा सामान है, ये देखिए, स्लाइसर, डाइसर, रोटी मेकर, बहुत सारा सामान है। क्या क्या नाम लूँ आपको, क्या क्या बताऊँ, बहुत सारा सामान है इसके पीछे, देखिए भरा हुआ है सामान। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपना बर्तन सब कैसे आप ऑर्गेनाइज करके रखा है। पहले तो ये जो स्पेस सिंक के नीचे जो स्पेस है, मैंने इसके नीचे अपना किचन ट्रॉली ये सब रखा हुआ है, बर्तन स्टैंड ये सब रखा हुआ है। इतना स्पेस है, बहुत सारा सामान है इसमें, बॉटल्स वगैरह भी जो यूज़ नहीं होता है मैंने इसके अंदर डाल रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने कटोरियाँ, स्टील की कटोरियाँ सब सजा के रखा है ऐसे, जो निकालने में मुझे आसानी होती है। कटोरी मतलब कटोरी का सेल्फ अलग रहता है और कहीं मुझे ढूंढना नहीं है, ये मेरा कटोरी का सेल्फ है। और इसमें भी ग्लासेस, जो डेली यूज़ के ग्लासेस है, टिफ़िन बॉक्स है, स्टील के ज़्यादातर टिफ़िन बॉक्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि सारा सामान जो खाना वगैरह बच जाता है तो मैं स्टील के टिफ़िन बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखती हूँ। मेरे पास बहुत सारा वो प्लास्टिक का भी बॉक्स है लेकिन मैं प्लास्टिक का बॉक्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये भी है एक बर्तन जिसमें रखा हुआ है, जो ज़रूरत की जितने बर्तन हैं मैं उतना ही रखती हूँ। ये देखिए, और ये एक है जिसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, कल्चर, एग बीटर, ये सब मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखा है, मैंने ज़्यादा भर के नहीं रखा है। ये देखिए, इसमें भी कुछ ज़रूरत के सामान है, ज़्यादा भरा भरा सा नहीं है। नैपकिन जो डेली यूज़ के काम आते हैं वो एक है, केक कटर है, फॉयल है, स्ट्रॉ है, ये थोड़ा बहुत सामान मैंने रखा है। नीचे ये थाली वगैरह रखा हुआ है मैंने, ट्रे थाली ऐसे सजा के रखा हुआ है। और इसमें आप मैंने कुछ प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए हैं ऐसे ही, और इसमें भी कुछ डेली यूज़ के डब्बे, और ये चाट मसाला और ये ब्लैक सॉल्ट, ये कुछ डब्बे ऐसे रखे हैं सजा के। नीचे भी कुछ ऐसे डब्बे हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं बट मैंने उनको रखा हुआ है, पता नहीं कल को कुछ सामान कुछ लेके आऊँ तो यूज़ में आ जाए, इसलिए मैंने इनसे रखा हुआ है इनको। और ये सिलेंडर का स्पेस है लेकिन एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी मैंने इसको एक स्टोर रूम बना दिया है। मेरे जितने सारे ग्रोसरी को मैंने एक बैग में डाल के इसमें रख दिया है। ये देखिए मेरा ये पूरा किचन ट्रॉली है, ये देख सकते हैं, ये मेरा फ्रीज है, ये मेरा फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, एलजी का फ्रीज है, एलजी का वॉशिंग मशीन है, एलजी का माइक्रोवेव है। ज़्यादातर मुझे और मेरे हस्बैंड को एलजी प्रोडक्ट पसंद है इसीलिए हमारे घर में एलजी, और टीवी भी हमारा एलजी का ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैंने यहाँ भी अपने ये कुछ मैंने आपको मिस कर दिया था, बताया नहीं था, ये मेरा क्रॉकरी का पूरा एरिया है। ये देखिए यहाँ मैंने बॉल्स और
कप्स वगैरह, कांच के ग्लासेस, ये आप सब देख रहे हैं। इसे मैंने सब सजा के रखा है। ये कुछ मसाले हैं, गुलाब जामुन मिक्स है, ये मेरा कोका पाउडर है, ज़्यादातर केक बनाती हूँ तो ये यूज़ में आता है। कुछ अचार है, हरहानी है, ये देखिए मैंने कैसे सजा के रखा है। ये वाला काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये तो हो गया क्रॉकरी का। अभी आपको मैं दूसरा वाला भी क्रॉकरी का एरिया दिखाती हूँ। इसमें हैं ग्लासेस हैं, कप्स हैं, और ये बड़े वाले कप्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रॉकरी ऐसे सजा के सब रखना। जितने सारे कप्स होंगे मुझे उतना अच्छा लगता है डेली ही उनको यूज़ करना। ये देखिए, फिर मैं आपको और एक काउंटर दिखाती हूँ। ये है, ये देखिए इसके बगल में ही है, जो सेलो का मैंने तीन ऐसे बॉल रखा है, छोटा बड़ा और मिडिल साइज़ का। ज़्यादा मुझे इसमें पॉपकॉर्न वगैरह और जैसे कि आपको सलाद्स वगैरह सर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें रायता ये सब इसमें सर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मेरा पूरा किचन काउंटर है, और मैंने कैसे इसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।